डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चेन्स के बारे में कि चेन होता क्या है। चेन एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। चेन क्या है? डिस्टेंस मेजरमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। अब इंस्ट्रूमेंट है तो इसे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो जो प्रोसेस है, जो डिस्टेंस मेजरमेंट करने का जो हमारे पास प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चेनिंग बोलते हैं। चेनिंग में या तो हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, चेन या टेप के थ्रू मेजर करेंगे। जब चेन के बारे में बात करते हैं तो चेन में दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमेशा ध्यान रखने चाहिए। पहला होता है उसकी लिंक की लेंथ पता होनी चाहिए। लिंक क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा, उस चेन की टोटल लेंथ पता होनी चाहिए कि टोटल लेंथ कितनी है। अब लिंक क्या होता है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ टू कंजुकेटिव मिडिल रिंग। अब यहाँ पे जो हमारे पास दो रिंग्स होते हैं, अब भी जब भी आप अगर लाइव चेन कभी आप देखोगे फील्ड पे सर्वे करते हुए, तो आप लोगों को दिखेगा कि जब चेन में क्या होती है, एक यहाँ पे लिंक होती है। लिंक को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे तीन रिंग लगे होते हैं। फिर आगे ये क्या होगा, रिंग लिंक होगा, उसके बाद क्या होगा, तीन रिंग होगा। तो हम कहाँ तक लिंक बोलते हैं कि मिडिल वाले रिंग के सेंटर से लेके अगली मिडिल वाली रिंग के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, लिंक बोलते हैं। ये हमेशा क्या होता है, लिंक हमेशा सेंटर टू सेंटर ही मेजर होगा। एक रिंग के सेंटर से दूसरे सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको लिंक बोलते हैं। तो हर चेन के लिए ये लिंक की लेंथ कितनी होती है और हर चेन के लिए टोटल लेंथ कितनी होती है, ये वेरी करती रहती है। तो आज हम देखेंगे इसी टर्म्स में जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ चेन। चेन कितने टाइप्स की होती हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चेन जो होती है वो चार टाइप्स की होती हैं। जो पहला है हमारे पास मेट्रिक चेन। मेट्रिक चेन आगे वाली, इसमें नाम ही पता है हमारे पास क्या है, मेट्रिक। मेट्रिक्स मीन्स जितनी भी इसमें रीडिंग आएगी वो हमेशा किस में होगी, मीटर में होगी। इसीलिए इसका नाम पड़ा था मेट्रिक चेन, क्योंकि रीडिंग किस में आएगी, मीटर में। अगर इसका हम डायग्राम की बात करें तो जो डायग्राम में सबसे साइड में क्या दिख रहा है, हमारे पास हैंडल दिख रहा है, और इधर भी क्या होगा, हैंडल होगा। दोनों साइड में हैंडल होगा चेन का, और बीच में हमारे पास क्या होंगे कि हमारे पास ऐसे क्या होंगे, यहाँ पे रिंग होंगे, फिर यहाँ पे लिंक होगा, फिर रिंग, ऐसे क्या होगा, इसमें कॉम्बिनेशन होता रहे। इसके अलावा स्टार्टिंग जो हैंडल हो, ये जो चेन होती है, जो मेटेलिक जो मेट्रिक चेन है, ये माइल्ड स्टील की बनी होती है। जो चेन बनी होगी वो किसकी बनी होगी, माइल्ड स्टील की। और जो यहाँ पे हैंडल होगा वो हमारे पास ब्रास मटेरियल का हैंडल होगा। इसके अलावा कि यहाँ पे हमें ये पता है कि यहाँ पे हैंडल है और दूसरा हैंडल यहाँ पे है। टोटल लेंथ भी लिखा होगा चेन के साइड में, यहाँ पे जब देखेंगे हैंडल पे तो साइड में टोटल लेंथ लगा होता है। बीच में हमारे पास बहुत सारे रिंग्स आएंगे, तो उन रिंग्स को मेजर करने के लिए बीच में एक टर्म्स आता है जिसको बोलते हैं टैलीज। तो क्या होती है, बीच में टैलीज होती हैं जिस पे मार्किंग होता है कि यहाँ हम स्टार्टिंग से कितनी लेंथ आ गए हैं, कितनी दूरी आ गए हैं। वो किसके थ्रू काउंट करते हैं, हम टैलीज के थ्रू काउंट करते हैं। अब इतनी चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसके जो हमारे पास मेट्रिक चेन होती है वो क्या कितनी लेंथ की मिलती है। तो जो मेट्रिक चेन है जो हमारे पास अवेलेबल होता है मार्केट्स में, वो 5 मीटर्स की भी आती हैं, 10 मीटर की भी आती हैं, 20 मीटर की और 30 मीटर की भी आती हैं। लेकिन जो मोस्टली यूज होता है वो 20 मीटर और 30 मीटर की चेन ही क्या होती है, यूज होती हैं प्रैक्टिकली। इसके अलावा कि इनके बीच में जो रीडिंग मेजर करने के लिए क्या होता है, विदाउट डिफ़िकल्टीज के क्या लगा दिया जाता है, टैली लगा दिया जाता है। मीन्स कि जो हम रीडिंग मेजर कर रहे हैं उसमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो, उसके लिए क्या होता है, टैलीज लगी होती है। टैलीज क्या होगी, एक तरह की मार्किंग होगी कि हमारे पास कुछ डिस्टेंस जाने के बाद एक टैली लगा दी जाएगी कि जिसे हमें पता होगा कि हैंडल से यहाँ तक इतनी दूरी है, फिर यहाँ से आगे जाने पर एक टैली लग जाएगी, फिर यहाँ से आगे जाने पर दूसरी टैली लग जाएगी जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने डिस्टेंस है। जो दूसरी टाइप की चेन है हमारे पास वो है हमारे पास गंटर चेन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वेइंग चेन। अब इसमें क्या खासियत है, अभी हमने इसकी खासियत जानने से पहले हमने अभी बस ये जाना कि जो हमारे पास मेट्रिक चेन है वो क्या है, 5 मीटर की भी आती है, 10 की 20 की और 30 मीटर की आती है। जो हमारे पास 20 मीटर की चेन होती है, दो चीज़ें मैंने बोला था, इसमें हमारे पास क्या है, लेंथ पता करना ओवरऑल चेन की। तो हमारे पास ये तो पता चल गया कि ओवरऑल चेन की लेंथ या तो 5 मीटर होगी, 10 होगी 20 होगी या फिर 30 होगी। दूसरा हमने ये बोला था कि लिंक के बारे में पता करना। तो जो ये मेट्रिक चेन होता है इसमें जो लिंक की लेंथ होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। मीन्स जो एक लिंक होगा वो क्या होगा, 20 सेंटीमीटर का होगा। टोटल लेंथ हमें पता चल गई कितनी है, 20 मीटर की है।
एक लिंक हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर की है, तो टोटल लिंक कितनी होगी हमारे पास, डिवाइड करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि 20 मीटर की चेन है तो क्या बन जाएगी, 100 लिंक होंगी। अगर 30 मीटर का चेन है तो हमारे पास 150। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आप लोगों को। तो हम ये बोल सकते हैं कि 20 मीटर की चेन में कितने लिंक होते हैं, टोटल 100, और 30 मीटर की चेन में कितने लिंक होते हैं, 150 लिंक्स होते हैं। अब दूसरी चीज़ हमारे पास है जो दूसरे टाइप की चेन है उसको बोलते हैं गंटर चेन, या फिर उसी को हम बोलते हैं सर्वेइंग चेन। अब ये जो गंटर चेन है इसकी जो हमारे पास टोटल लेंथ होती है वो होता है 66 फीट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं, जो हमारे पास पहले चेन थी वो उसका नाम था मेट्रिक। नाम क्यों मेट्रिक था, क्योंकि रीडिंग हमेशा किस में आती है, इसमें मीटर में। अब ये जो रीडिंग मीटर्स में आती थी ये तब तक सूटेबल था जब हम लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लंबे लंबे प्रोजेक्ट पे, जैसे हमारे पास कोई रोडवेज का काम चल रहा है, कोई रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है तो किलोमीटर में कंस्ट्रक्ट हो रहा है। लेकिन जब हम स्मॉल एरिया की बात करते हैं, जैसे हम बिल्डिंग का कोई पार्ट ले लें कि किसी की अगर बिल्डिंग बनानी हो, उसको दो या एक रूम या दो रूम का छोटा सा बिल्डिंग बनानी है, तो वो क्या मीटर्स में हमें ये पता चलेगा उसकी दीवार इतने मीटर, फिर उसका रूम का जो एरिया है उतने मीटर स्क्वायर, तो ये सूटेबल नहीं था। क्योंकि जो हमारे पास मेजरमेंट होते थे छोटे छोटे फ्लैट्स के, वो हमेशा क्या होते थे, फिट स्क्वायर में एरिया मेजर किया था, या लेंथ फिट में मेजर की जाती थी। तो इसके बेसिस पे वहाँ पे क्या हुआ कि जो चेन या आ रही थी उसमें क्या किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया और डिफरेंट डिफरेंट चेन्स बनी थी। जो इसके आगे वाली चेन्स होंगी वो पूरी की पूरी मेजरमेंट क्या होंगी, फिट में होंगी। जो कंटर चेन है या सर्वेयर चेन जिसका नाम है, टोटल लेंथ कितनी है, 66 फीट। टोटल लिंक कितने हैं, 100 ही लिंक इसमें भी होते हैं, तो एक लिंक की लेंथ कितनी हो जाती है, 0.66 फीट। ये चीज़ें समझ आ गई। अब इसके बाद जो हमारे पास तीसरे टाइप की जो चेन है वो है हमारे पास इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन कितनी आती है, 100 फीट की चेन आएगी, 100 लिंक होगा, तो एक लिंक कितने की हो जाएगी, 1 फीट की। और लास्ट हमारे पास होता है जिसको रेवेन्यू चेन भी बोलते हैं, ये कितना होता है, 33 फीट। टोटल लिंक इसमें होते हैं 16, तो एक लिंक की लेंथ आती है 33/16, या फिर 2.06 फीट की क्या होती है, एक लिंक होती है। इसके अलावा कभी कभी हमारे पास मार्केट में स्टील बैंड भी देखने को मिल जाते हैं जिसकी लेंथ 20 या 30 मीटर की होगी, बैंड है ये, और उसकी जो विड्थ होगी उस बैंड की वो होगी 12 से 16 mm, और जो थिकनेस होगी बैंड की वो 0.3 से 0.6 mm होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, चेन ख़त्म हो गया, तो जो डिस्टेंस हम मेजर करते थे वो क्या, किससे मेजर करते थे, चेन से या फिर टेप से। तो चेन के बारे में हमने स्टडी कर ली, अब हम बात करते हैं टेप्स के बारे में कि टेप होते क्या हैं। टेप भी क्या होता है, सिमिलर इंस्ट्रूमेंट होता है। अब हम चेन का यूज़ कर रहे थे तो चेन में क्या आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी। कौन सी दिक्कतें, सबसे पहली चीज़ कि जो चेन्स बना हुआ है वो किस चीज़ का बना हुआ है, माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील क्या है, एक मेटल है, और मेटल होने के चलते क्या है, जैसे जैसे इस चेन की लंबाई बढ़ेगी मेटल की वजह से वो क्या हो जाएगा, बहुत ही भारी हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि आप लोगों को जब डायग्राम दिखाया था तो वहाँ ये बताया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, लिंक होती है। अब यहाँ से एक लिंक में भी हमारे पास दिख रहा है कि यहाँ पे 3 रिंग आ रही हैं, फिर यहाँ पे 3 रिंग आ रही हैं, उसके सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस क्या कर रही है, लिंक कहला रही है। ऐसे ही हमारे पास हर चेन में हमने ये देखा था, किसी में 100 लिंक्स आ रहे थे, कहीं 150 लिंक्स आ रहे हैं। तो ये लिंक्स अगर ज़्यादा होंगे तो ये क्या होंगे, आपस में रिंग क्या हो जाती है, उलझ जाती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी क्या था, चेन में डिफ़िकल्टीज आ रही थी। तीसरी चीज़ कि चेन में टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत आ रहा था, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था चेन का क्या हो रहा था, इफ़ेक्ट, जो उसका टेम्परेचर का इफ़ेक्ट था वो इंक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, जो चेन था वो लिंक के थ्रू कनेक्टेड था। कभी कभी क्या होते हैं, बच्चे जब फील्ड पे जाते हैं तो इस पे क्या है, दोनों साइड से अगर ज़्यादा तेज़ी से इस पे क्या किया, जर्क प्रोवाइड कर दिया गया या खींच दिया गया, तो जो ये रिंग का डायमीटर होता है वो भी क्या हो सकता है, डायमीटर इंक्रीज हो सकता है, और चेन की लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो सकती है। तो ये सारे पॉसिबिलिटी थी, जो कमियाँ थी जिसको अवॉइड करने के लिए चेन से क्या बना, बाद में बना टेप। अब जो टेप की एक्यूरेसी होती है वो चेन के कंपेयर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर हमें हाई एक्यूरेसी पे काम करना होता है तो हम टेप का यूज़ करते हैं, चेन का यूज़ नहीं करते। अगर हमें रफ आइडिया लेना होगा कि किसी भी लेंथ एरिया कितना है, लेंथ कितना है, तो हम क्या यूज करते हैं, वहाँ पे चेन का यूज करते हैं। टेप के लिए
टाइप्स की बात करें तो टेप हमारे पास पहला जो टाइप्स है इसका वो होता है जिसको क्लोथ टेप बोलते हैं या फिर लिनन बोलते हैं, लिनन टेप, क्योंकि ये क्या होता है लिनन मटेरियल का बना होता है इसलिए इसका नाम था लिनन टेप। अब लिनन मटेरियल के बेसिस पे क्या है, किसको बोलते हैं, ये हमारे पास सिंथेसिस मटेरियल होता है, सिंथेसिस मटेरियल, और इसकी जो टेप की जो चौड़ाई होगी वो होगी 12 से 15 mm चौड़ाई होती है, और पूरी की पूरी टेप के ऊपर क्या होगा वार्निश लगा होता है जिससे हमारे पास क्या होगा उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाती है बढ़ जाती है, वो सड़ता नहीं है या फिर ख़राब नहीं होता है, मॉइस्चर को रेजिस्ट कर लेगा। ऐसे जो टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं वजन में बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, कभी भी कहीं भी मुड़ जाएंगे, और जो ये मार्केट में जो मिलते हैं वो मिलते हैं 10 मीटर के, 20 मीटर के, 25 और 30 मीटर के अवेलेबल होते हैं। कहाँ पे यूज होगा, जो इसका होता है रफ़ मेजरमेंट में ही मोस्टली इसका यूज करते हैं। पहला था लिनन या क्लोथ टेप, दूसरा आया मेटेलिक टेप। मेटेलिक मीन्स यहाँ पर क्या होगा, मेटल का तो बना होगा लेकिन उस मेटल में क्या क्या होगा, स्मॉल मात्रा में ब्रास भी होगा और कॉपर भी होगा और ब्रॉन्ज मटेरियल के वायर्स के भी छोटे छोटे टुकड़े ऐड किए जाते हैं। अब ये क्या होगा कि वाइडली फ्लेक्सिबल तो होगा लेकिन आसानी से इसको तोड़ा नहीं जा सकता, आसानी से ये ब्रेक नहीं होगा या ब्रोक नहीं होगा। इसके अलावा जो इसके लेंथ अवेलेबल होते हैं मार्केट में 2 मीटर, 5 मीटर, 10, 20, 30 और 50 मीटर के अवेलेबल होते हैं। कमियां वहीं पे भी, यहाँ पे लिनन मटेरियल था, यहाँ पे आ गए, फिर हम कहाँ पे घूम फिर के मेटल पे, मेटल पे आ गए तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास सेम प्रॉपर्टी जो हमारे पास कमी टेम्परेचर का इफेक्ट अभी तक जो चेन में आ रहा था वो यहाँ पे भी इफेक्ट दिखने लगा। तो उस इफेक्ट को रिमूव करने के लिए क्या बनाया गया, स्टील टेप। स्टील टेप जो टोटली बना होगा किसका बना होगा, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और स्टेनलेस स्टील का बना होगा तो इसमें क्या होगा कि ना ही इसमें कोरोजन का कोई खतरा होगा क्योंकि इसमें जंग भी नहीं लगेगी क्योंकि स्टेनलेस स्टील है। जो इसकी लेंथ अवेलेबल होती है वो 1 मीटर के भी आते हैं, 2, 10, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर के भी आते हैं। साथ में जो इनके आउटर साइड पे क्या होगा, ब्रास का रिंग लगा होगा जहाँ से हम क्या करेंगे टेप को पकड़ के खोलते बांधते हैं। जो इनकी चौड़ाई होती है वो 6 से 10 mm के बीच में होती है। हम आ गए यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की, तो जो हमारे पास रफ़ वर्क के लिए काम होगा वो क्या होगा, स्टेनलेस स्टील के जो टेप्स आते हैं या फिर ये बोल सकते हैं स्टील टेप्स होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। अब उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लास्ट में क्या आया, इनवायर टेप। जो लास्ट टाइप है वो इनमार टेप। इनमार टेप में क्या है, 36% निकेल और 64% स्टील है, कि स्टेनलेस स्टील जो यूज करते थे वो स्टील तो अभी भी 64% है लेकिन उसमें क्या किया 36% निकेल यूज कर लिया गया। अब यहाँ पे क्या है, निकेल का जो एलॉय यूज होगा वो कितना होगा, 36% स्टील 64%, जिसके चलते क्या होगा जो इसका कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स जो ये टेम्परेचर की इंक्रीज होने पे ये जो इसकी लेंथ इंक्रीज होती थी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो निकल हमारे पास होता है वो प्योर मेटल नहीं होता है। इसके अलावा अगर ये इंक्रीज नहीं होगा इसकी लेंथ रेंडमली तो ये क्या होगा, एक मोर एक्यूरेट होगा, अगर एक्यूरेट होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये एक्यूरेट होगा साथ ही साथ क्या होगा, ये इसको बनाने में जो होता है खर्चा वो एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट जो इसकी लेंथ होती है वो जनरली 20, 30 और 100 मीटर की आती है और 6 mm वाइड होते हैं। इसका यूज हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमें हाईली एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। दूसरी चीज़ कि ये टेम्परेचर का बहुत ही क्या होगा, लेस अफेक्टेड होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है। इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं कि ये क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसके लिए हमारे पास क्या होगी, रिक्वायर होगी बहुत ही ज़्यादा अटेंशन की इसको हैंडल करते समय, नहीं तो ये क्या होगा बार बार ख़राब होते रहेंगे। इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट वो क्या होते हैं, एरोज होते हैं। एरोज क्या होंगे, एक हमारे पास कील के इसी नुकीले होते हैं जिसको क्या करते हैं, ज़मीन में हम क्या करते हैं, मार्किंग के लिए काम करते हैं। इसके अलावा ये एरो के अलावा हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं या एरो हो गए, इसके अलावा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट पैक्स यूज होते हैं, इनके अलावा हमारे पास रेंजिंग रॉड होती है जो हमारे पास यूज होती है, ऑफसेट रॉड होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या होते हैं सर्वेइंग में यूज होते हैं। एरो क्या होगा, एरो हमारे पास जनरली क्या होगा, ये हमारे पास स्टील वायर की बनी होती है या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हम मेटल वायर की होती है। कभी कभी क्या होता है कि स्टील अवेलेबल ना हो तो वहाँ पे माइल्ड स्टील का भी यूज कर दिया जाता है। जो हमारे पास
ये तो एरो की बात हो रही है। एरो जहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, लकड़ी के पेक्स यूज करते हैं। लकड़ी के पेक्स जो होगा वो जनरली टिम्बर, लकड़ी को ही टिम्बर बोलते हैं, जिस जो इसकी लेंथ होगी वो क्या होगी 15 सेंटीमीटर होगी, और ऊपर का जो एरिया होता है वो क्या होता है चौकोर होता है या फिर ये रेक्टेंगल होता है, कितना 2.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होता है। रेंजिंग रोड क्या होती है, मार्किंग करने के काम आती है ग्राउंड पे, कि अगर हमारे पास एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट विजिबल नहीं है तो हम ग्राउंड पे क्या करते हैं उसको मार्क कर देते हैं, जिससे क्या हो वो पॉइंट विजिबल हो जाए। जो इसकी लेंथ आती है वो 2 से 3 मीटर के बीच में वेरी करती है, और जो ये रेंजिंग रॉड होते हैं ये नीचे की तरफ क्या होती हैं नुकीली होती हैं, ये क्या होगा ग्राउंड में मार्क करने के काम आ जाएगा नुकीला। अब ये कितनी लेंथ की होती है 2 से 3 मीटर, तो इसमें क्या होता है हर पट्टी बनी होती है, या इसमें क्या होगा कि कलर किया होगा, एक हमारे पास या इधर यहाँ पे दो कलर यूज होते हैं, या तो रेड होगा या फिर ब्लैक होगा, कहीं कहीं किसी एरिया में रेड यूज होता है, कहीं कहीं किसी एरिया में ब्लैक यूज होता है, लेकिन दूसरी पट्टी वाइट होगी, फिर नेक्स्ट हमारे पास रेड या ब्लैक, फिर वाइट, फिर नेक्स्ट हमारे पास रेड एंड रेड। जो ये रेड और ब्लैक आते हैं इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के क्या होंगे 20 रेड होंगे, फिर क्या होगा 20 सेंटीमीटर का वाइट होगा, फिर क्या होगा रेड होगा, ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर का। इसके अलावा जो हमारे पास ये रेंजिंग रॉड के अलावा एक होती है ऑफसेट रॉड। ऑफसेट रॉड का मींस क्या होता है कि किसी भी लाइन के हमें क्या होगी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो हम वहाँ से क्या करते हैं यहाँ से ऑफसेट से देख के कि यहाँ पे क्या है यहाँ पे कट दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आसानी से कट है, तो एक लाइन हमारे पास यहाँ पे विजिबल होगी और यहाँ से विजिबल होगी, दूसरी लाइन को जब हम यहाँ से देखेंगे तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी परपेंडिकुलर हो जाती हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या होता है ऑफसेट रॉड का यूज़ होता है। इसके अलावा प्लम्ब बॉब का यूज होगा। प्लम्ब बॉब का यूज़ कहाँ करते हैं, जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हम क्या करते हैं सेंटरिंग करते हैं तो प्लम्ब बॉब का यूज होगा। लेबलिंग यूज करने के लिए, कहीं कभी हमारे पास किसी इंस्ट्रूमेंट में लेबल नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्पिरिट लेबल का हम यूज़ कर लेते हैं, जो हमारे पास हर एक लैब में अवेलेबल होती है। तो ये पूरे के पूरे क्या थे इंस्ट्रूमेंट थे जो हमने यूज़ करते हैं फील्ड पे जाते समय। जो ये प्लम्ब बॉब यूज होता है या फिर जो हमारे पास स्पिरिट लेवल होता है वो प्लेन टेबल सर्वेइंग में मोस्टली यूज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी तक हमने रेंजिंग रॉड की बात की, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है, अभी तक हमने बात की थी रेंजिंग रॉड की, ये हमारे पास क्या है रेंजिंग रॉड्स जो होते हैं ये क्या थे इंस्ट्रूमेंट थे जिसके थ्रू हम क्या करते हैं ग्राउंड पे मार्किंग करते हैं। जैसे सपोज कि एक हमारे पास यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ काफ़ी दूर पॉइंट है, दोनों के बीच में हमने मान लिया कि 200 मीटर की दूरी है, 200 मीटर की दूरी है, तो एक अगर यहाँ पे पॉइंट है बी यहाँ पॉइंट है, तो जब हम यहाँ पे पॉइंट आएंगे तो ये दिखेगा नहीं ग्राउंड पे बी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, कि 200 मीटर की विजिबिलिटी तो होगी लेकिन हम वहाँ ग्राउंड पे एग्जैक्ट नहीं देख पाएंगे कि यहीं लाई कर रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड लगा देंगे और एक रेंजिंग रॉड यहाँ लगा देंगे, जिससे दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे विजिबल हो जाएंगे। तो ये था रेंजिंग रॉड। रेंजिंग क्या है कि रेंजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं चेन या टेप के थ्रू डिस्टेंस को मेजर करते थे, तो चेनिंग रेंजिंग में क्या करते हैं जब हमारे पास लेंथ, हमारे पास ये पता है कि चेन और टेप की क्या है, जो भी चेन यूज कर रहे हैं या टेप यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होगी जो लेंथ होगी वो हमारे पास फिक्स होगी। ऐसा नहीं है फिक्स होगी इन द टर्म्स मीन्स क्या क्या रीज़न था, ये फिक्स इन द टर्म्स ऐसे होती हैं कि अगर हमारे पास 20 मीटर की डिस्टेंस मेजर करनी है तो भी चेन हमारे पास जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा होगा, अगर हमें 5 किलोमीटर मेजर करना है तो ऐसा नहीं है कि चेन अपने आप बढ़ जाएगा, उसकी लेंथ उतनी ही रहेगी, हमें क्या होगा कई बार में उसको मेजर करना होगा, एक बार में यहाँ आया, दूसरी बार में यहाँ, तीसरी बार में यहाँ, या हो सकता है 10 बार 15 बार जितनी बार में हमें मेजर करनी है मेजर करेंगे डिस्टेंस को। तो रेंजिंग भी क्या होता है एक प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन चेन और टेप, जब हम सर्वे लाइन को चेन या टेप से मेजर करेंगे तो हमेशा कहाँ मेजर करेंगे स्ट्रेट लाइन में मेजर किया जाता है। रीजन क्या होता है कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे भी बात करते हैं ए और यहाँ पे है पॉइंट पी, दो पॉइंट में इनके बीच की डिस्टेंस एन नंबर्स ऑफ टर्म्स में एन साइड से हम क्या कर सकते हैं मेजर करेंगे, सारी की सारी जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं वो दोनों पॉइंट के बीच की क्या है डिस्टेंस ही बता रही हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा वो हमेशा क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा, इसीलिए इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन में नापी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि जब हमारे पास लेंथ ऑफ लाइन की जो हमारे पास जिस लाइन की लेंथ हमें मेजर करनी है उस लाइन की लेंथ जो हमारे पास क्या है चेन की लेंथ से क्या है लेस है कम है, ध्यान से देखिए सुनिएगा ये स्टेटमेंट,
कि क्या है कि जब हमारे पास जो लाइन है यहाँ से और यहाँ तक की जो लाइन है हमारे पास पी क्यू लाइन है, इसकी जो लेंथ है वो टेप की लेंथ से क्या है कम है, तो हम क्या करेंगे आसानी से यहाँ से रख के टेप और यहाँ तक मेजर कर लेंगे और पूरा टेप यूज भी नहीं होगा और डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेजर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। लेकिन दूसरी केस की बात करते हैं हम। दूसरा केस हमारे पास ये है कि जब हमारे पास लाइन की लेंथ ग्रेटर हो जाए, इस केस में कोई दिक्कत नहीं थी, अब जो दिक्कत आ रही है कि लेंथ हमारे पास क्या हो गया लाइन वाली जो मेजर करनी है वो बहुत बड़ी हो गई और टेप हमारे पास छोटा हो गया। अगर टेप हमारे पास छोटा हो गया और डिस्टेंस बहुत बड़ी हो गई जिसको मेजर करना है, तो उस केस में क्या करेंगे कि यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना चालू किया यहाँ पर जाके एंड हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ग्राउंड पर कुछ ना कुछ मार्क कर देंगे कि यहाँ तक आ गया। मार्किंग किसके थ्रू करेंगे, रेंजिंग रॉड वहाँ पे लगा देंगे कि यहाँ तक हमने क्या किया मार्क कर लिया, फिर यहाँ से मेजर करना चालू करेंगे जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे फिर एक रेंजिंग रॉड लगा देंगे, फिर यहाँ से मेजर करते हुए रेंजिंग रॉड लगा देंगे। तो ये क्या होगा पूरा का पूरा क्या हो रहा है प्रोसेस है जिसमें हम क्या करें डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं किसके थ्रू, बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट इस्टेब्लिश करके। तो ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट जो बीच में हमने क्या किया था पॉइंट्स को लगाए थे, इधर वो अगर रेंजिंग रॉड है तो रेंजिंग रॉड ही लगा दिए, अगर कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ हमें क्या होगा मार्किंग बनानी पड़ेगी। तो ये जो मार्किंग बना रहे हैं इंटरमीडिएट पॉइंट्स की, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होता है इंटरमीडिएट पॉइंट को इस्टेब्लिश करने का उसको क्या बोलते हैं रेंजिंग बोलते हैं। तो रेंजिंग में क्या है, द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग एंड इस्टेब्लिश सच इंटरमीडिएट पॉइंट्स इज नोन एज रेंजिंग। उस इंटरमीडिएट पॉइंट्स की फिक्सिंग को, उसकी पॉइंट की लोकेशन को फिक्स करना पता करना क्या कहलाएगा रेंजिंग कहलाएगा। अब ये जो रेंजिंग होता है वो दो तरह से होता है, दो टाइप से होता है, दो पहला होता है दो मेथड में कि पहला होता है डायरेक्ट रेंजिंग और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग कब बोलेंगे कि जो हमारे पास दोनों पॉइंट हैं ए और जो हमारे पास सेकेंड पॉइंट था बी, दोनों क्या हैं इंटरविजिबल, जो टर्म्स आ रहा है वो क्या था इंटरविजिबल, जो टर्म्स है वो है हमारे पास इंटरविजिबल। इंटरविजिबल का मीन्स जब ए पॉइंट पे हम खड़े हों तो हमें बी पॉइंट भी दिख रहा है तो उसको क्या करेंगे विजिबल, और जब बी पॉइंट पे हम पहुंच रहे हैं तो बी से क्या है ए भी दिख रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा इंटरविजिबल। ए से बी दिख रहा है, बी से ए दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है इंटरविजिबल टर्म्स कहलाता है। तो जब ए से बी दिख जाए बी से ए दिख जाए तो उस केस में हम आसानी से क्या करेंगे डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। क्यों कैसे करेंगे कि दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, एक हमारे पास ए पॉइंट यहाँ भी दिख रहा है पी यहाँ दिख रहा है, तो पहला रेंजिंग रॉड हमने यहाँ लगा दिया दूसरा रेंजिंग रॉड यहाँ लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे खड़े होके एक पर्सन ए पॉइंट पे खड़ा हो जाएगा और एक पर्सन बी से क्या करेगा रेंजिंग रॉड लेके बी पॉइंट तो पता चल गया आगे आके एक लगा देगा, और ये तीनों पॉइंट कैसे होने चाहिए स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। अगर हम वर्टिकली देखें तो एक ए पॉइंट, अगर हम इसको वर्टिकली देखें तो अगर हमारे पास ए पॉइंट यहाँ है बी पॉइंट यहाँ है, ए पॉइंट यहाँ है बी पॉइंट यहाँ है, तो बी पे क्या हुआ रेंजिंग रॉड लग गया, ए पे क्या हुआ रेंजिंग रॉड लग गया। अब एक पर्सन को क्या बोल देंगे कि तुम बीच में आओ, और यहाँ पे आता रहेगा ये साइड में अगर मूव कर रहा है तो भी हम उसको क्या करेंगे सेंटर में लाएंगे और रेंजिंग रॉड लगा देंगे। फिर ऐसे क्या करेंगे कि इनके बीच में जो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है उनको एन नंबर्स ऑफ टर्म्स में तोड़ देंगे रेंजिंग रॉड लगा के। अब ये डिस्टेंस क्या हो गई छोटी छोटी हो गई, कि जो इतनी बड़ी डिस्टेंस थी वो क्या हो गया छोटे छोटे डिस्टेंसों में ब्रेक हो गया। जो यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस मेजर करनी थी वो क्या हो गया छोटे छोटे जगह पे हमने क्या किया रेंजिंग रॉड लगा के इनको ब्रेक कर दिया। अब रेंजिंग रॉड से ब्रेक हो गई तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये एक चेन लेंथ से छोटी होगी आसानी से मेजर हो जाएगी, सेम ये मेजर हो गई सिमिलर ये, तो ये छोटे छोटे ब्रेक हुए हैं इनको मेजर कर लेंगे और लास्ट में सबको ऐड कर लेंगे तो क्या होगा डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो ये था हमारे पास डायरेक्ट मेजर मेथड ऑफ रेंजिंग। इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट हम आंखों से देख के सीधे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके सीधे क्या करेंगे लेंथ को मेजर कर लिया जाता है। दूसरा होगा इनडायरेक्ट मेथड, इसी को रेसिप्रोकल मेथड बोलते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।